भारत का ऐसा नेता जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया, बेबाक और निडर नेताओं में से एक हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इनका जन्म राजधानी नई दिल्ली में 9 जनवरी 1955 को एक तमिल परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सुब्रमण्यम और माता का नाम सुलोचना सुब्रमण्यम है। इनके पिता पत्रकार थे और इंडिया के सबसे प्रमुख नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट में उनका नाम आता था। उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स भी कहा जाता है, जिनका निधन साल 2011 में हो गया। इनकी माता संगीत में पीएचडी की हुई है और म्यूजिक टीचर भी थी। जयशंकर का पूरा नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल से की और नई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से राजनीति विज्ञान में बीए किया। इसके बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एमफिल किया और इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की। पीएचडी करने के बाद सिविल परीक्षा दी और साल 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। इन्होंने बतौर राजनयिक कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये केवल हिंदी इंग्लिश ही नहीं जानते बल्कि वो तमिल, रूसी और जापानी भाषा भी जानते हैं। अब अगर इनकी कामयाबी की बात करें तो ये साल 1989 में मास्को, रूस में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव रह चुके हैं। फिर साल 1985 में वाशिंगटन डीसी में भारत के दूतावास में प्रथम सचिव रहे। साल 1988 में आईपीकेएफ के राजनीतिक सलाहकार और श्रीलंका में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव भी रहे और साल 2000 में चेक गणराज्य में भारत के राजदूत रहे। जयशंकर धीरे धीरे विदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाते गए तो साल 2007 में सिंगापुर में इंडियन हाई कमीशन चुने गए। इसके बाद 2009 में 4.5 साल के कार्यकाल के साथ साथ चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राजदूत बन गए। 2013 में जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे। इसी बीच साल आता है 2014 का, देश में सत्ता बदली, विदेश नीति की दिशा भी बदली और ऐसे समय में मोदी को जरूरत थी एक ऐसे डिप्लोमेट्स की जो दुनिया के तमाम मजबूत देशों को हैंडल करना जानता हो, जो डिप्लोमेसी का मास्टर हो। मोदी की ये तलाश एस जयशंकर पर जाकर पूरी हुई। सरकार बनने के अगले साल ही यानी 2015 में उनको भारत लाया गया और अगले 3 साल तक वो सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री रहते हुए उनके साथ विदेश सचिव रहे। विदेश सचिव के रूप में जिस तरह से भारत की विदेश नीति को जयशंकर ने नई दिशा दी, ब्रांड मोदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले शख्स एस जयशंकर ही थे, जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम करते थे। बतौर डिप्लोमेट एस जयशंकर का काम मोदी को भी खूब भाया। समय बदला, 2019 के चुनाव हुए, नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब तक सुषमा स्वराज का निधन हो चुका था। मोदी को तलाश थी किसी काबिल विदेश मंत्री की और एक बार फिर ये तलाश एस जयशंकर पर जाकर ही पूरी हुई। एस जयशंकर को मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल कर विदेश मंत्रालय की कमान सौंप दी। अगले कुछ ही दिनों में उनको गुजरात से राज्यसभा सदस्य बना संसद पहुंचा दिया। जयशंकर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी शोभा से की। शोभा इन्हें जेएनयू में पढ़ाई के समय मिली थी, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकी क्योंकि कुछ सालों बाद पहली पत्नी शोभा को कैंसर होने की वजह से मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के कुछ सालों बाद एस जयशंकर जापान की एक लड़की से शादी किए जिसका नाम क्योको है। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा ध्रुव जो अमेरिका में एक थिंक टैंक के साथ काम करता है और दूसरा बेटा अर्जुन जयशंकर है और उनकी एक बेटी मेघा जयशंकर है। और जयशंकर के 2 भाई हैं, एक संजय सुब्रमण्यम और दूसरा भाई एस विजय कुमार है। जयशंकर के पास कुल संपत्ति लगभग 15,82,54,942 रुपए की है। इस जयशंकर की ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया।